आदमी से वह पत्थर की मूरत बन गया। जीता जागता इंसान जब पत्थर की मूरत बना, तब लोगों की नज़र पत्थर के मूरत पर पड़ी, लोग निहारने लगे। है ना गजब की बात। अजीबो गरीब दुनिया है, यहाँ जीते जागते इंसान को कोई पूछता नहीं। शायद इस बात का आभास इस युवक को हो गया और यही वजह रही कि जिंदा से मुर्दा का स्वांग रचा लिया। यह मूर्ति आप देख सकते हैं, यह असल में जीता जागता इंसान है, पर पत्थर की मूरत का भेष इख्तियार करना इसकी मजबूरी बन गई और इस युवक ने अपनी परेशानी को ही एक कला के रूप में विकसित कर लिया। लोग इसे गोल्डमैन के नाम से पुकारते हैं, पर गोल्डमैन की दशा काफ़ी दयनीय है। वह बिहार झारखंड से मुंबई यानी कि माया नगरी आया था, यह सोच कि कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी, उससे वह अपने बीमार पिता का इलाज कराएगा और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकेगा। पर जिंदगी में सब कुछ हमारे सोचों के अनुरूप नहीं होता। माया नगरी में सब कुछ यूं ही नहीं मिलता, यहाँ कई इम्तहान से इंसान को गुजरना पड़ता है और तब भी मंजिल मिल जाए यह कोई बता नहीं सकता। पर इतना ज़रूर है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और शुभ्रम आज यही कर रहा है। तमाम मुश्किलें हैं जिंदगी में, उन्हीं मुश्किलों को वह पत्थर की मूरत बन हल करने का प्रयास कर रहा है। उसके भी अरमान है कि उसका यह कला एक दिन जरूर रंग लाएगा। उसकी सोच है कि किसी दिन फिल्मी दुनिया के लोग उसके हुनर को पसंद करेंगे तो उसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। ख्वाबों की दुनिया को हकीकत का रंग भरना चाहता है शुभ्रम। 28 वर्षीय शुभ्रम पासवान को लोग निहारते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं और कोई खुश होकर जो कुछ दे गया उसी से उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती है। माया नगरी में न जाने कितने हुनरमंद आज भी मंजिल की तलाश में हैं। हमने लोगों से बात किए, आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम मोनिका रयाल है। मोनिका जी, ये बताएं कि जब दूर से आ रही थी तो आपको क्या लग रहा था ये जो आप स्टैचू की तरह दिख रहा है? एक्चुअली मैं जब वॉक कर रही थी मुझे दूर से लगा यहाँ पे कोई स्टैचू रखा है जी, और जब मैं यहाँ से पास हुई तो मैंने देखा अरे ये तो स्टैचू नहीं है, रियल में इंसान है जी। तो मैं बहुत शॉक हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ऐसा करना, दूर से देख के स्टैचू दिखना और सामने से डिफरेंट दिखना इज लाइक वेरी टैलेंट, और ऐसे टैलेंट की सीरियसली बहुत कदर करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों को प्रेज करना चाहिए बिकॉज ये भी एक टैलेंट है। नवी मुंबई में रहती हैं? हाँ हाँ, मैं सीवुड में ही रहती हूँ जी। अब ये बताएं कि ये जो आप हूबहू स्टैचू के आकार दिख रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं तो इधर वॉक के लिए आती हूँ रेगुलरली जी, मुझे पहले ऐसे लगा कि है ना ये कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे सच्ची का, जब नजदीक आके देखा तो स्टैचू है मगर वाकई कलाकार बहुत अच्छा है इसका। ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपको दिख रहा है कि जैसे एक आइडल है या कुछ ऐसा बना हुआ है स्कल्पचर है, लेकिन नहीं, ये जिंदा जागता हुआ आदमी है जी। और अनफॉर्चुनेटली इनकी जो पेरेंट है उनका किडनी पूरा फेल हो चुका है, तो ये बेचारे पैसे के लिए ऐसे खड़े होते अलग अलग जगह पे जी। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको कुछ फैमिली को मदद हो सके तो काइंडली प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस मैन। क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं? ये बताएं कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है, रियल नाम है शुभ्रम राम पासवान है जी। जो पब्लिक मुझे नाम दिया है गोल्ड मैन स्टैचू, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गोल्ड मैन स्टैचू जी जी, ओके। ये मुझे बताइए पासवान जी कि ये विचार आपके जहन में कैसे आ गया कि आप गोल्ड मैन बन जाए और लोगों का मनोरंजन करें? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला बेनीपुर प्रखंड के। एक्चुअली मैं बम्बई एक सपना की शहर है, मेरा घर की स्थिति बहुत गड़बड़ था, बहुत ख़राब था जी। तो मैं घर से कुछ, मेरा पापा जी की किडनी खराब था, मैंने घर से निकला किसी से कर्ज लेकर कि मैं बम्बई जा कुछ करूँ। मैं सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, मुझे अंदर से पीरा था एक मैं कुछ बनने के लिए जी। बम्बई एक सपना की शहर है, वहाँ मैं सपना पूरा करने के लिए मैं बम्बई निकल गया। जब मैं बम्बई आया गाँव से तो मुझे बहुत भीड़ भड़का, बहुत मतलब ये लगा कि मतलब ये यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े सब कुछ है, मतलब मेरा कौन सुनेगा जी, मेरा सुनने वाला कौन है। लेकिन मैंने दो तीन जगह जाकर किसी के थ्रू मैंने इंटरव्यू जाकर दिया डायरेक्टर ऑफिस में, मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेरा जीजा ने मुझे फ़ोन किया कि
मतलब कब तक तू ये काम फिर रहेगा, तेरा काम कुछ मिलेगा, तेरे को सुनने वाला कौन है। फिर मुझे न्यू बम्बई लेकर आया वासी में, फिर मैं न्यू बम्बई वासी आया, उसके बाद मेरा पैसा भी ख़त्म हो चुका था। मैंने 3-4 दिन मैंने स्टेशन पे टाइम गुजारा, वरापोखा का मैंने टाइम बिताया, वरापोखा में टाइम बिताया जी जी। उसके बाद में मेरा जीजा ने मुझे बोला एक काम करो, जब मुझे काम नहीं मिला तो वहाँ काम लगा देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पापा को किडनी ख़राब था, 5-6 लाख रुपया कर्जा है, अभी भी लोन है बम्बई से लेकर गाँव तक, तो खाने पीने में बहुत तकलीफ हो रहा था। मैंने वॉचमैनी काम लग गया, वॉचमैनी काम जब 5 साल किया तो बीच में मैंने उससे भी नहीं हो रहा था, मैंने सिक्योरिटी साहब से परमिशन लेकर के 1 घंटा थेरापिस्ट का मैंने काम कोर्स किया, थेरापिस्ट जिसको मसाज बोलते हैं जी, वो मैंने काम सीखा। वो काम सीखने के बाद मेरा दोनों अच्छा चल रहा था। बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में मैं गाँव चला गया। उसके बाद जब मैं गाँव से यहाँ आया तो मुझे किसी ने, मैंने काम की बहुत तलाश की, मुझे काम मिला नहीं। एक जन मुझे बोला कि तुम अमेजोन में काम करेगा, मैं बोला हाँ करूँगा काम, मुझे उसने काम लगाया। वहाँ भी मुझे काम से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे कुछ अनुभव नहीं था, मुझे कुछ सिखाने के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला सिखाने के लिए। उसने मुझे काम से निकाल दिया गया कि तुमने बराबर काम नहीं करते। ठीक है, उसके बाद मैंने रूम पर आया। अब बम्बई में रूम रेंट भरना, खाना पीना खरना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास न पैसा था, न घर के भाड़ा किराया था, कुछ भी करने के नहीं था। मैं अपने आप से मैं हार चुका था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ये लॉकडाउन हो गया, मैं क्या करूँ अभी, मुझे बहुत में मुश्किल में फंस गया। तो ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में कि हाँ बताएं। मैंने गूगल पर सर्च किया कि कुछ मैं ऐसा हट कर करूँ ताकि मैं अपना नाम रोशन करूँ, अपना इंडिया के नाम रोशन करूँ, बम्बई के नाम रोशन करूँ जी। मैंने उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया लिविंग स्टैचू, वो इंडिया में बहुत कम है, जो करते हो ज़्यादा टिकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क है, जिसको बोलते हैं लिविंग स्टैचू। जब मैंने ये करने के लिए ठाना तो आप करो तो करो कैसे, मेरे पास पैसा भी नहीं था। फिर मैंने एक दोस्त से हेल्प लिया, 3,000 रुपया उसने मुझे ब्याज पे दिया, मैंने पैसा लिया। और मैंने उससे पहले 4 महीने हमने लॉकडाउन में रिहर्सल किया ये स्टैचू का, मैंने इसका रिहर्सल किया स्टैचू, मतलब गूगल मैंने सर्च किया, रिहर्सल किया जी। आपने मतलब पूरा प्रयास किया और वो करने लग गया। मुझे बताइए कि इससे आपका भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, कैसे आप इन सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा आपका। मुझे ऐसा लगा कि यही एक प्लेटफार्म है, ये एक कला है, कि ये कला दिखाने से मुझे पब्लिक प्यार करेंगे और मैं कुछ पब्लिक के सामने में कुछ बन सकूँ, मेरा कुछ नाम हो सके, मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ। इसके लिए मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने मुझे करीब सामान इकट्ठा करने में मुझे 1 महीना लग गया, कैप गॉगल पैंट शर्ट पूरा लेने में 1 महीना लग गया, सामान ढूंढना पड़ता था, मतलब कहीं मतलब एक जगह तो मिला नहीं, अलग अलग मुझे दुकान में मिला, मुझे मिला। उसके बाद मैंने ये काम ठाना, सागर बिहार में जब मैं गया पहले दिन परफॉर्म करने के लिए 4 से 6 बजे तक, तो मैं आधा घंटा में गिर गया, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क है जी। अब ये बताएं कि कितने देर तक आप खड़े रह सकते हो। मैं एक स्टीम में 1.5-2 घंटा रहता हूँ, एक स्टीम में मैं एक बार स्टैंड रहता हूँ खड़ा, हाँ मैं 1.5-2 घंटा तक, 1.5 से 2 घंटा तक रहते हैं। अच्छा, इसके बाद बताइए कि आपका मतलब इनकम का लोगों से पैसे मिल जाते हैं क्या, या कैसे पैसे कैसे मिलते हैं आपको। जी, पब्लिक मेरे साथ फोटो सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं जी, पब्लिक को जो भी खुशी आता है वो मुझे देते हैं, 10-20-50 रुपये जो भी देते हैं। अच्छा, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, भविष्य की कोई योजनाएं हैं कि भविष्य में और कुछ करें आप। सपना है कि मैं बॉलीवुड में मुझे काम करने का मुझे मौका मिले, छोटा सा मुझे रोल मिले, तो मेरा मैंने घर से कुछ सपना लेकर घर से निकला था। बम्बई एक सपना की शहर है, यहाँ पे हर जन को सपना पूरा होता है, तो मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे लगता है कि मेरा भी सपना सब पूरा हो। तो चलिए, हमारे भी यही शुभकामना आपके लिए होगी कि आपके ख्वाहिश और आपके सपने जरूर पूरा हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी ये जो वीडियो है या चैनल पे चलने के बाद आपको चैनल से बुलावा आ जाए, मौका जो है कुदरत के हाथ में है, हो सकता है कि आपको आने वाले समय में मिल जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक युवक अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजर बसर कर रहा है और अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज एक स्टैचू की तरह घंटों खड़ा रहता है। उसके ख्वाहिश है, उसके सपने हैं, वह चाहता है कि वह भी किसी मकाम तक पहुँचे, लेकिन इस माया नगरी में उसके सपनों का जो उसकी ख्वाहिश है वो वहाँ तक कब तक पहुँचेगा ये देखना होगा। शायद इसकी तकदीर और शायद खुदा इस पर मेहरबान हो जाए तो हो सकता है इसके भी सितारे बुलंदियों पर होंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ गोपाल शाह, GS News, कभी मुंबई।